इस तरीके से मैं अपने YouTube वीडियोस का व्यूज़ भी बढ़ा सकता हूँ। अगर आपका रील्स है तो आप रील्स का व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, अगर आपका कोई वेबसाइट है तो आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। मतलब आप मल्टीपल तरीके से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू शेयर यूट्यूब लिंक ऑन इंस्टाग्राम स्टोरी, यानी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिंक कैसे लगाएं। अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, या फिर अगर आपका कोई वेबसाइट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है आप ऑडियंस को भेज सकते हैं। कैसे, तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो आगे बढ़ने से पहले आप जो है उस लिंक को कॉपी कर लो जिसको आपको अपने स्टोरी में लगाना है। तो बेसिकली मैंने जो है अपने एक यूट्यूब वीडियो का लिंक कॉपी कर लिया है। तो अब मैं चलते हैं सीधा हम इंस्टाग्राम पे। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ये जो स्टोरी का सेक्शन दिख रहा है सिंपली से यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे जो है आप अपना कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे डेमो एक पिक्चर क्लिक करने वाला हूँ। तो मैंने देखो एक पिक्चर क्लिक कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली से ऊपर में देखो एक आइकन दिख रहा है स्टिकर का, इसके अंदर आ जाओ एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो लिंक नाम का एक स्टिकर दिखेगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये बोल रहा है कि आप जो है अपना लिंक यहाँ पे डाल दो। तो आपने जो भी लिंक कॉपी किया था, चाहे अपने YouTube वीडियो का, चाहे रील्स का, चाहे वेबसाइट का, किसी भी चीज़ का, सिंपली से आप यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे जो है आप डन कर दो। अब देख सकते हो कि मेरे डिस्प्ले पे जो है एक छोटा सा जो है एक बॉक्स टाइप आ गया है। अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ, जहाँ भी चाहूँ वहाँ पर फिट कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने जो इसको यहाँ पर फिट कर दिया है। ओके, अब देखो लगा तो मैंने दिया है लिंक, लेकिन ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। आप खुद ही बताओ ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। अगर आप जब तक थोड़ा सा अच्छे से उसको प्रोफेशनली उसको नहीं सजाओगे ना, डेकोरेट नहीं करोगे, तो मज़ा नहीं आता। हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, हमें कोई दुकान देखते हैं भाई एकदम पुराना सा दिख रहा है, गंदा सा दिख रहा है, मतलब कोई उसमें लगता नहीं कि काम धाम कुछ हुआ है, उस दुकान में जाना हम पसंद नहीं करते हैं, राइट। उसी तरह से थोड़ा सा आप उसको हाईलाइट बनाओ, उसको थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव बनाओ, जिससे लोगों का ध्यान जाए उस लिंक के ऊपर, है ना। इसके लिए भी यार ट्रिक है। कैसे करोगे, देखो वापस से चले जाओ स्टिकर के अंदर और यहाँ पे आप कोई भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको डेमो बता देता हूँ, जैसे कि हाईलाइट सर्च करो, या फिर क्लिक हेयर सर्च करो, चाहे पॉइंटर सर्च करो, कुछ भी सर्च करके यहाँ पे आप उसमें अलग अलग जो स्टिकर मिल जाएगा आप वहाँ पे उसको लगा सकते हो। बट फिलहाल मैं जो है हाईलाइट सर्च करता हूँ और यहाँ पे जो है हाईलाइट ये वाला मतलब मैं ले लेता हूँ, है ना। अब मैं इसको यहाँ पे बड़ा करके अब देखो इसके ऊपर मैं फिट कर देता हूँ और देखो यहाँ पे जो है ये वाला फिट हो चुका है। अब बताओ पहले ज़्यादा मस्त लग रहा था कि अब ज़्यादा मस्त लग रहा है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया ना। तो इसी तरीके से आप जो है अलग अलग थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेना, जो भी आपके लिए परफेक्ट हो, जो भी आपको लगता हो कि हाँ ये जो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है तो ये आपके लिए वर्क करेगा। तो इस तरह से इसको थोड़ा डेकोरेट कर दो जिससे थोड़ा मज़ा ही आ जाए, है ना। उसके बाद यहाँ पे होने के बाद अब नीचे में देखो व्हाइट कलर का जो है एक नेक्स्ट दिख रहा है, सिंपली से यहाँ पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे जो योर स्टोरी है सिंपली से इसको सेलेक्ट कर लेना एंड नीचे में शेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे सिंपली से डन कर दो। अब जो है आपका स्टोरी जो है अपलोड हो रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार आपको चेक करा देता हूँ कि लिंक जो है वो काम करता कैसे है। तो चलते हैं सीधा स्टोरी पे। तो अभी देखो ये अपलोड हुआ नहीं है, अपलोड हो रहा है और यहाँ पे देखो इस ये अपलोड हो चुका है। अब बेसिकली करना क्या है, सिंपली से इस लिंक पे टच करो एंड यहाँ पे लिख रहा है विजिट लिंक। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है मेरे YouTube वीडियो पे और यहाँ पे मेरा वीडियो भी प्ले हो गया है। तो एक बार मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको सुना देता हूँ। तो देखा आपने कैसे मैंने वहाँ पे लिंक लगाया और किस तरीके से उसने मुझे रीडायरेक्ट करके मेरे YouTube वीडियोस पे उसने मुझे पहुँचा दिया। इस तरीके से मैं अपने YouTube वीडियोस का व्यूज़ भी बढ़ा सकता हूँ। अगर आपका रील्स है तो आप रील्स का व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, अगर आपका कोई वेबसाइट है तो आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। मतलब आप मल्टीपल तरीके से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना मत। और अगर इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपके आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर जो है डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, यहाँ पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।